गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. अशोक कुमार मिश्रा टुडे गोइंग टू कंटिन्यू विद स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 6 फॉर्मेटिंग अ प्रेजेंटेशन. इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में मुख्य पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इसका क्वेश्चन आंसर्स के पोर्शन में फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे कि ए चार्ट प्रोवाइड एन एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन. दूसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की कॉम्बिनेशन यूज टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज एंड ए टेबल इज ए ग्रिड ऑफ द सेल्स अरेंज इन द रो एंड कॉलम एंड यू कैन ऑल्सो रीनेम एनी लेआउट यूजिंग द रीनेम बटन प्रेजेंट इन द एडिट मास्टर्स ग्रुप ऑन द स्लाइड मास्टर टैब. स्लाइड मास्टर कंसिस्ट ऑफ द टू प्लेस होल्डर्स. नाउ ट्रू फॉल्स. एनी चेंजेस मेड इन द स्लाइड्स मास्टर पेज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ऑन एवरी स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन इज ट्रू. कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज इज द फॉल्स एंड टू इंसर्ट ए टेबल इन ए प्रेजेंटेशन वी शुड यूज लिटिल एंड कंटेंट साइड लेआउट इज द ट्रू एंड यू कैन नॉट एडिट डाटा इन द डाटा सीट इज द फॉल्स. ए चार्ट कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड बाई द क्लिकिंग ऑन द चार्ट बटन प्रेजेंट ऑन द स्लाइड इज फॉल्स. Now, MCQ, on which tab is the master slide master button is available is view button and the intersection of the row and column in a table is called cell. When we insert a chart, the data is displayed in the special window is called data sheet. Which shortcut key combination open the font dialog box is Control Shift plus F. And table tools tab appears when you insert a table in the presentation. So these are the objective of chapter 6. Next day I will continue with this remaining portion. Thank you. Have a nice day.